जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि वो मंजिले भी सर झुका देंगी, कि वो मंजिले भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, कि वो मंजिले भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा ये सारा जहां जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डियर भाग फर्स्ट। क्या भाग फर्स्ट? भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई 22 भाग हैं। कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में डियर 25 हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है 23, 24, 25 ऐसे करके नहीं है, उसमें बीच में जोड़ दिया गया है। जैसे 4 है ना, 9 ऐसे करके। तो अगर इनको मिलाते हैं ना तो भाग कितने हो जाते हैं? भाग हो जाते हैं 25। और डियर आज का हमारा भाग है फर्स्ट, जो कि है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है डियर? भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो डियर वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, वो मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना था तो आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं डियर? 8। और अगर बात करें कितने राज्य क्षेत्र हैं तो डियर इनकी संख्या है 28। कितनी है? इनकी संख्या है 28। अब डियर जो भाग फर्स्ट है जिसमें कि हम पढ़ेंगे भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक इनका वर्णन है ये आपको अच्छे से समझना है। तो डियर जैसे भाग फर्स्ट में पूछ लेना डायरेक्ट, पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भाई भाग फर्स्ट में संविधान के क्या वर्णित है। तो डियर आप ध्यान क्या रखेंगे? आप ध्यान में रखेंगे कि भाई भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र है भाग फर्स्ट में। भाग दो की बात करें तो भाग दो में क्या है? नागरिकता है। भाग तीन की बात करें तो भाग तीन में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें की हिंदी में हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जो कहां से लेकर कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। तो अब हम एक एक भाग को कवर करेंगे, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं भाग फर्स्ट, संघ, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसका अनुच्छेद याद रखना है कि भाग फर्स्ट में जो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं इनके आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है। तो डियर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। क्या? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर नागरिकता की बात करें भाग दो की तो 5 से लेकर 11। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, जो कि हमारा भाग थर्ड है, वो 12 से लेकर 35। तो आगे एक एक करके भाग को कवर करेंगे और साथ साथ उनके अनुच्छेद को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो डियर ध्यान देंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 आज हम अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे और एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि डियर ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है तो वो मैं आगे आपको बताती हुई चलूंगी। देखिए अगर पूछे कि भाई अनुच्छेद 1 में क्या है, तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत, क्या? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, मतलब कि राज्यों का एक यूनियन होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद फर्स्ट में वर्णित है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे करके दे देंगे अनुच्छेद 1 में क्या है, ऐसे दे देंगे आपको भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेकंड दे देंगे भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संसद का अधिकार होगा। तो ABCD करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो डियर आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो अनुच्छेद फर्स्ट है उसी में बात हुई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अनुच्छेद 2 पे हम मूव करते हैं डियर। अनुच्छेद 2 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश। क्या? भारतीय जो संघ है उसमें नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसका है? संसद का है। अब डियर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसका है। आपको 4 ऑप्शन में देंगे। ए ऑप्शन दे देंगे आपको राष्ट्रपति का है, बी दे देंगे आपको डियर कि भाई पीएम का है,
सी दे देंगे आपको संसद का है और डी दे देंगे आपको इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके आपको चार ए बी सी डी करके डियर ऑप्शन में दिया होगा। तो आप सभी को ध्यान में क्या रखना है कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, कि भाई जो भारतीय संघ है इनमें कौन सा राज्य का प्रवेश होगा या कौन से राज्य की स्थापना होगी, ये राइट किसको दिया गया है, ये राइट दिया हुआ है डियर किसको, संसद को। तो आप टिक क्या लगाएंगे कि भाई अनुच्छेद दो में दिया गया है कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो या उसकी स्थापना करनी हो तो ये अधिकार किसको दिया गया है, ये अधिकार भारतीय संसद को दिया हुआ है, ना ही राष्ट्रपति को ये अधिकार है ना ही पीएम को ये अधिकार है। और डियर स्टेट लेवल पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनाता, तो ये भी अनुच्छेद आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। ऐसे क्वेश्चन ना आपको डियर स्टेट लेवल पीसीएस, चाहे आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरएएस के फॉर्म निकल चुके हैं, बीपीएससी के भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में नहीं बल्कि एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना, सीजीएल सीपीओ के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं, तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसका है। तो आपको जैसे मैंने समझाया कि भाई ऐसे ऑप्शन दिया होगा तो आप क्या लगाएंगे कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो, उनकी स्थापना करनी हो, तो ये राइट किसको प्रदान है, ये राइट भारतीय संसद को प्रदान किया गया है। आई थिंक अब आपको अनुच्छेद दो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो डियर अनुच्छेद हम तीन को भी जान लेते हैं, क्योंकि भाग ए में कौन कौन से, भाग एक जो है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद, मतलब चार अनुच्छेद आते हैं, एक दो तीन चार, अभी हमने दो समझ लिए, तीसरे को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तीसरे में है डियर नए राज्यों का निर्माण, क्या नए राज्यों का निर्माण करना हो और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का। देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि एंट्री, मतलब कि क्या डियर एंट्री, और स्थापना मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट करना हो तो ये अधिकार किसका है, संसद का है। कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद पूछ ले, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि भाई भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश प्लस स्थापना का अधिकार किसका है, तो आप लगाएंगे संसद, लेकिन पूछ ले कि भाई स्थापना का अधिकार संसद का है ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप अनुच्छेद क्या लगाएंगे डियर, आप अनुच्छेद लगाएंगे दो। अब तीसरे में, जैसे कि मैंने तीसरे की बात करी, तीसरे में क्या है डियर नए राज्यों का निर्माण, क्या नए राज्यों का निर्माण करना हो और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, जैसे कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में है 28 राज्य, जो वर्तमान में 28 राज्य हैं इनके क्षेत्रों में या सीमाओं में या इनके नाम में परिवर्तन करना, ये क्या करने का अधिकार किसका, ये भी संसद का है। सिंपली आपको समझना है कि भाई जैसे नए राज्य बनाने हैं, नए राज्य का निर्माण करना है, उनका वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करना है, जैसे किसी को तोड़ के कौन सा राज्य बना देते हैं, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश को तोड़ के कौन से राज्य बनाए गए, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई राज्यों को तोड़कर कई राज्यों का निर्माण किया गया, तो ये किसने किया, ये संसद ने किया है, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि भाई भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया और क्षेत्र के मतलब वो हम कल की क्लास में करेंगे, फिर ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अभी अनुच्छेद को समझ रहे तो अनुच्छेद पर ही रहते, ठीक है। जैसे अगर आ जाए नए राज्यों का क्षेत्र का निर्माण, निर्माण आपको फोकस करना है, निर्माण पे ऐसे सर्कल कर ले, राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में चेंज करना हो, जैसे नाम भी चेंज हो जाते हैं ना, तो नाम किन किन राज्यों के चेंज हुए हैं, पहले क्या था बाद में क्या है, वो हम कल की क्लास में अच्छे से समझेंगे डियर। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में तीन में क्या है, तो परिवर्तन करने का अधिकार भी किसका, संसद का है, लेकिन आर्टिकल ध्यान रखना है, पूछ ले कि भाई नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद का अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद दो और तीन ये थोड़ा सेम लग रहे हैं ना, लेकिन कंफ्यूजन को यही दूर कर लेना। अगर प्रवेश की एंट्री की बात हो और इस्टेब्लिशमेंट की बात हो तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई ये तो अनुच्छेद दो में है, लेकिन अनुच्छेद तीन में क्या है कि भाई निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना हो तो ये अनुच्छेद तीन में दिया गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चौथे पे मूव करते हैं डियर, अनुच्छेद चार में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद चार में अनुच्छेद दो या तीन के संविधान को 368 के बाहर रखा गया है, क्या अनुच्छेद जो ये दो है
और जो अनुच्छेद ये तीन है इसको संविधान के संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है, अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है डियर, आप सभी को याद होगा क्योंकि मैं पहली क्लास में करा चुकी हूँ। तो ये 368 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया शामिल की गई है। तो अनुच्छेद 2 या 3 को संविधान को 368 के बाहर रखा गया, मतलब संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है, आर्टिकल 4 में यही है। नेक्स्ट डियर मूव करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। आप सभी को पता है भारत का विभाजन हुआ तो दो भागों में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान। ये कब हुआ? 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक, मतलब कि अलग पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इसमें तो कोई ऐसी याद करने वाली चीज नहीं है, सभी को पता है 1947 स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था कि भाई डिवाइडेशन हो गया था, भारत और पाकिस्तान दो पृथक अपने देश बन गए थे, उनके अपने अलग लॉ एंड रूल हैं, हमारे भारत के अलग लॉ एंड रूल है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है और ऐसी याद करने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन मेन क्या है, मेन डियर ये है कि भाई जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। क्या? जब ये भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, या मतलब जब ये अपना वॉर हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान बन गए। लेकिन मेन क्या था डियर, भारतीय सीमा के अंतर्गत कितनी देशी रियासतें थी, 552, और ये डियर कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। क्या? भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। अब इनके सामने डियर तीन विकल्प थे, जो भारतीय सीमा के अंदर कितनी, आप डायग्राम से समझे, 552, क्या डियर 552 क्या थी, देसी रियासतें थी। अब इनके सामने तीन विकल्प थे, जो ये 552 देसी रियासतें थी भारतीय सीमा के अंदर, इनको तीन विकल्प दिए गए। क्या विकल्प थे इनके सामने, या तो ये भारत में शामिल हो जाए, क्या डियर, या तो ये भाई इंडिया में शामिल हो जाए, या ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर ये स्वतंत्र रहे, या फिर ये इंडिपेंडेंट रहे। जो 552 देसी रियासतें थी भारत की सीमा के अंदर, तो इनको तीन विकल्प दिए गए, मतलब इनके पास तीन विकल्प थे। ये तीन विकल्प कौन से थे, या तो भाई तुम भारत में शामिल हो जाओ, या फिर तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर तुम स्वतंत्र रहो, मतलब कि आजाद रहो। और फिर क्या हुआ डियर, इन 552 में से 549, क्या इन 552 में से 549, क्या डियर, इन 552 में से 549 ने क्या किया, भारत में शामिल हो गई। जो 552 देसी रियासतें थी, इनमें से 549, क्या 549 जो देसी रियासतें थी, ये भारत में शामिल हो गई। अब जो तीन भारत में शामिल नहीं हुई वे कौन सी थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी तीन देसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं हुई। तो डियर इनके नाम याद रखने हैं, एक तो हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी कश्मीर। तीन ऐसी देसी रियासतें थी 552 में से जो भारत में डियर शामिल नहीं हुई थी। ये कौन कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। यहाँ से कई बार स्टेट लेवल पीसीएस और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डियर यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर डायरेक्ट देसी रियासतों की संख्या पूछ ली जाती है तो कितनी थी, 552 थी। इनके सामने कितने विकल्प थे, तीन विकल्प थे, या तो भाई तुम भारत में शामिल हो जाओ, या फिर तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर तुम इंडिपेंडेंट रहो, मतलब कि स्वतंत्र रहो। तो इनमें से 549 जो देसी रियासतें थी, इन्होंने मतलब ये कह दिया कि भाई हम भारत में शामिल हो जाएंगे। तो 549 जो देसी रियासतें थी, ये भारत में शामिल हो गई थी। तीन देसी रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई थी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये पूछ लेंगे ये तीन रियासतें कौन थी, आपको ध्यान में रखना है, हैदराबाद, सेकंड जूनागढ़ और थर्ड कश्मीर, ये तीनों, ठीक है। फिर डियर क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, क्या जो हैदराबाद थी देसी रियासत, इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला दिया गया। फिर जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा,
जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा। देन कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो हैदराबाद था, अगर पूछ ले हैदराबाद को कैसे भारतीय रियासत में शामिल किया गया, मतलब भारत संघ में शामिल किया गया, ऐसे ये तो रियासत थी जो हैदराबाद, जूनागढ़ और ये सब थी, ये देसी रियासतें थी। कितनी थी? 552। तीन ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। ये कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। फिर ये भारत में शामिल कैसे हुई कि भाई जो हैदराबाद था इसको तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। सेकंड, जो जूनागढ़ है इसको जनमत संग्रह के द्वारा, कैसे? जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर को डियर विलय पत्र के द्वारा, कैसे? विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और डियर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये काफी बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं एक इतिहास की तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँ कि आप अपने माइंड में बैठा लें कि भाई अनुच्छेद एक में क्या है, अनुच्छेद दो में हमने पढ़ा क्या है, अनुच्छेद तीन में क्या है, अनुच्छेद चार में क्या है। फिर आ जाते हैं हम कि भाई जब भारत आजाद हुआ तो पृथक दो देश बन गए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई जो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें थी, फिर इनको हुआ कि भाई इनको भारत में शामिल कैसे किया जाए, तो फिर 549 जो देसी रियासतें थी 552 में से, ये भारत में शामिल कर ली गई थी। लेकिन जो तीन देसी रियासतें थी ये भारत में शामिल नहीं हुई। ये कौन कौन सी थी? फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड जूनागढ़, थर्ड ईयर क्या, थर्ड थी कश्मीर। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जूना जनमत ऐसे याद कर सकते हैं ना, ट्रिक बन गई। जूनागढ़ को पूछ ले कि भाई कैसे भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो ध्यान में रखेगा भाई जूनागढ़ जनमत, क्या? जूनागढ़ जनमत, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर को क्या डियर, विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अब डियर बात करते हैं आगे, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था, 1952 में, 1953 में, 1954 में, ऐसे करके आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन में दिया होगा। तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में, कब 1953 में, या पूछ ले फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था, तो भी आप क्या लगाएंगे, 1953 में। और क्यों किया गया था, नए राज्यों के निर्माण के लिए, क्या, नए राज्यों के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। आगे मूव करते हैं डियर, इससे पहले जून 1948 में, इससे पहले 1953 से पहले जून 1948 में भारत सरकार के द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ था। इससे पहले अगर पूछ ले कि भाई जो एस के धर आयोग था इसका गठन कब किया गया, तो डियर आप ध्यान में रखेंगे 1948 में, कब, 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, कब, जून 1948 में। देन डियर अब आगे आपको क्या देखना है, अब आगे देखेंगे कि भाई ये तो मैं समझा चुकी हूँ, वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डायरेक्ट SSC, CGL, CPO या दिल्ली पुलिस और या UP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। बैंड डियर जो ये हमारा बात कर रहे थे एस के धर आयोग की, क्या, एस के धर, अब आप ध्यान में रखेंगे जो एस के धर आयोग की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ था, इसने दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, गठन तो हुआ जून 1948 को, रिपोर्ट प्रस्तुत की डियर 1948 में, कब, 1948 में, तो जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर, जिसमें राज्य पुनर्गठन का जो
राज्य पुनर्गठन का जो आधार था, मतलब कि जो बेस था, वो भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा रखा गया। क्या? प्रशासनिक सुविधा रखा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। रखने की मतलब कि इन्होंने अनुशंसा की थी कि भाई जो राज्य का पुनर्गठन होना है वो भाषाई आधार पर ना हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसका गठन किया जाए, मतलब कि इन्होंने ऐसी अनुशंसा की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। पर विवाद हो गया था डियर, विवाद होने के कारण 1948 में एक और समिति का गठन हुआ, लेकिन विवाद हो गया कि भाई भाषाई आधार पर ये नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लेकिन फिर इस पे विवाद हुआ, फिर क्या हुआ डियर, आप ध्यान में देंगे, दिसंबर 1948 में एक और समिति जिसका नाम था जेवीपी समिति। क्या? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का आप ध्यान में रखेंगे डियर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल प्लस पट्टाभी सीतारमैया, ये शामिल थे के नेतृत्व में ये गठन की गई। अगर पूछ ले जेवीपी समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और आप ध्यान में रखेंगे, जो ये 552 देसी रियासतों का विलय था, या जो भी इसका वर्ग था कि भाई 552 देसी रियासतों को भारत में कैसे शामिल किया जाए, तो इसका कार्य किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही इसका कार्य किया था। और इनके साथ दो मेंबर और थे जिन्होंने की सहयोग किया था, उनका नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। चलिए डियर, अब आप ध्यान में रखेंगे 1949 में जो जेवीपी समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता प्लस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्थगित कर दिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। परंतु 1953 में फिर क्या हुआ, श्री रामल्लू जो कि कांग्रेसी नेता थे, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण ये आंदोलन बहुत ज्यादा तीव्र हो गया था, आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हो गया था। फिर क्या हुआ, मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित करके तेलुगु भाषाई कर्तक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई भाषाई आधार पर पहले किस राज्य का गठन किया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे आंध्र प्रदेश। और डियर ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बना था, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। देन डियर मूव करते हैं नेक्स्ट पे, फजल पृथक। ये बात हो गई है कि भाई आंध्र प्रदेश का गठन हुआ सिंपली। देन जो फजल अली आयोग था 1953 में, जो ये फजल अली आयोग था, इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो डियर डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो फजल अली आयोग था 1953 वाला, इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो तीन थे, एक तो स्वयं फजल अली, दूसरे थे के एम पानीकर। कौन थे? के एम पानीकर। थर्ड थे डियर एच एन कुंजरू। कौन थे? एच एन कुंजरू। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस आयोग ने, जो फजल अली आयोग था, इस आयोग ने 1955 में, फजल अली आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया गया था। कि भाई जो फजल अली 1953 में आयोग बना था, जिसमें कि तीन सदस्य थे, स्वयं फजल अली और के एम पानीकर और एच एन कुंजरू, इन्होंने जो राज्य के भाषा आधार पर पुनर्गठन था तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने डियर अस्वीकार कर दिया, मतलब कि स्वीकार नहीं किया। एक राज्य एक भाषा का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब कि जो सिद्धांत था, वो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, मतलब कि इसको अस्वीकार कर दिया। देन डियर ये तो हो गई हमारी जो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र थे उनकी बात, कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए क्या क्या पहले क्या हुआ, कौन से जो समिति है उसका गठन हुआ, फिर किसका हुआ और फाइनली क्या डिसीजन हुआ। तो डियर आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट में
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना जरूर है। ये टॉपिक डियर काफी डिफिकल्ट है, आसानी से समझ में नहीं आता है। हमने एक बैक टू बैक इतिहास से और एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। अनुच्छेद समझे कि जो भाई भाग एक है इसमें कितने अनुच्छेद है, चार। एक एक अनुच्छेद को पढ़ा, इसमें कौन कौन सी समितियां हैं आई, कैसे चीजों का गठन होना शुरू हुआ, तो वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो डियर इसको आप 3 से 4 बार देखेंगे ना वीडियो को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी बता दिया साथ साथ कि भाई यहाँ से बना है, यहाँ से बना है, तो आप उतना भी याद कर लेंगे ना, तो इनफ है। चलिए डियर, अब आप ध्यान में रखिए, 7वें संशोधन अधिनियम, क्या 7वें संशोधन अधिनियम 1956, क्या 7वें संशोधन 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित, कितने 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे कि भाई 14 राज्य 14 स्टेट एंड 6 यूटी का गठन कब किया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य है, 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। और डियर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेट लेवल पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ था। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ऐसा हुआ था। देन बात करते हैं डियर 69 संविधान संशोधन की, क्या डियर, और ये क्वेश्चन ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि 69वें संविधान संशोधन में क्या वर्णित है, तो डियर आप ध्यान में रखेंगे, या ऐसे आ जाए कि भाई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया था, तो डियर आप ध्यान में रखेंगे 69वें संविधान संशोधन के तहत जो दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और डियर इस पे लगा लें आप 3 स्टार, स्टेट लेवल पीसीएस, यूपीएससी और भी मैंने कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है संविधान संशोधन में कि भाई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी आखिरकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो डियर संविधान संशोधन याद रखेंगे कौन सा, 69वें संविधान संशोधन के तहत जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। तो डियर ये थी आज की हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास, जिसमें कि हमने पढ़ा भाग फर्स्ट, इसके 1 से लेके जो 4 अनुच्छेद है उनको एक एक करके हमने अच्छे से समझा। कल की क्लास में डियर हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव कि भाई जैसे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई फजल अली आयोग में क्या था, जो समिति थी उसमें क्या था, एस के धर में क्या था, तो डियर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हैं ना, तो कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। तो ये तो हुई आज की क्लास, और कौन से राज्यों का गठन हुआ था, जैसे कि हमने बात करी ना कि भाई प्रवेश, स्थापना और निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का राइट किसका है, ये भी संसद का है। तो डियर कौन कौन से राज्यों के नाम में परिवर्तन हुए, कौन कौन से राज्यों को तोड़ के नए राज्य कौन से बने, उन सब पे कल डिटेल में चर्चा कर लेंगे। कल की क्लास और लगेगी हमारी भाग फर्स्ट की, फिर हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो हम भाग 2 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता। तो डियर जैसे हमने आज थ्योरी कर ली, कल इसके ऑब्जेक्टिव लगाओगे ना, वैसे अब मैं ऑब्जेक्टिव कराती नहीं हूँ, थ्योरी से ही बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट है, जो नए बच्चे आएंगे ना उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना, और आप समझेंगे कि मैम ने जो थ्योरी कराई थी वहीं से ऑब्जेक्टिव बने हैं, वहीं से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो डियर ये थी आज की क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आप और कौन से टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, कोई मेन टॉपिक पे अगर दिक्कत परेशानी हो वो लिखेंगे, तो उससे क्या होगा डियर, मुझे भी पता चलेगा कि भाई बच्चों को किस टॉपिक में दिक्कत है, नहीं तो जैसे हम सीक्वेंस से चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी में वैसे ही आगे चलेंगे। अब देखिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम भाग 1 22 भाग है वो एक एक करके कवर करेंगे ना, तो उसी में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, आज हमने ये पढ़ लिया। भाग 2 में हम नागरिकता 5 से 11 कवर कर लेंगे। भाग 3 में
मौलिक अधिकार कवर करेंगे, तो डियर सारी क्लास ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो अंत में डियर यही कहूंगी, क्लास अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अपने चैनल EPSY प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल आइकन होता है ना उसको दबा ले, उससे क्या होगा जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजेगी, और आपको क्या करना है पेन पेपर लेके बैठ जाना है एकांत में, और अपने साथ साथ नोट्स भी तैयार करते हुए चलना है। लेकिन अगर जो बच्चे नोट्स तैयार नहीं करना चाहते, डोंट वरी डियर, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, उससे आपको ज्वाइन होना है, तो शाम को आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद डियर, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद।